हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, डीप वेन में जो हमारा हमारी लेग है उसमें जो डीप वेन्स होती हैं, बहुत अंदर है, डीप है, उनमें जब थ्रोम्बस बन जाता है दैट इज डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेबो थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं इसको। अब आते हैं हम इसकी इटियोलॉजी पे, यानी इसके कारण क्या है। इसको हम याद करते हैं थ्रोम्बोसिस से, ठीक है। इटियोलॉजी को हम डिस्कस करने के लिए इसमें एक निमोनिक सा थ्रोम्बोसिस, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो थ्रोम्बोसिस से ही इसको याद रखेंगे। टी फॉर ट्रॉमा यानी इंजरी टू द वेसल वॉल, एच फॉर हॉर्मोन्स की वजह से यानी जिससे इंक्रीज जो कोएगुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए जिस भी वजह से, आर फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ओ फॉर ऑपरेशंस ऑपरेशंस की वजह से, एम फॉर मेलिग्नेंसी, बी फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे पॉलीसाइथीमिया, ओ फॉर ऑर्थोपीडिक सर्जरी, ओबेसिटी या फिर ओल्ड एज, एस फॉर सीरियस इलनेस लाइक स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से, आई फॉर इमोबिलाइजेशन एंड एस फॉर स्प्लीनेक्टमी। इन कारणों की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। देन वी कम टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे, मैक्सिमम इंसिडेंस अकर आफ्टर सेकेंड डे और फिफ्थ टू सिक्स डे इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। जब भी किसी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के सेकेंड से लेके फाइव टू सिक्स डेज के अंदर उसको एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है डीवीटी। फर्स्ट कंप्लेंट उसकी क्या होती है कि उस पार्ट पे उसको एडिमा हो रहा है, डायलेटेड वेन्स ऑफ द लेग्स, डल एकिंग पेन हो रहा है, सुपरफिशियल फ्लैप्स ऑन द स्किन, लो ग्रेड फीवर है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। जो लेग है, जैसे लेग में थ्रोम्बस बना है तो लेग उसकी बहुत टेंस होगी, टेंडर होगी, वॉर्म होगी, पेल या ब्लूश विद स्ट्रेच एंड शाइनी स्किन, ठीक है। इसमें हमें साइन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट है होमेन साइन। होमेन साइन क्या है, ये इसमें पॉजिटिव मिलेगा। इसमें क्या है, अगर आप पैसिव फोर्सफुल डोर्सिफ्लेक्शन कराते हो पेशेंट के फुट का विद एक्सटेंडेड नी, टांग बिल्कुल सीधी है और आप उसके जो पेशेंट है उसके पैर का फोर्सिफुल डोर्सिफ्लेक्शन कराते हो, देन इट विल कॉज टेंडरनेस इन द काफ। जो काफ रीजन है उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा टेंडरनेस होती है, दैट इज होमेन साइन। फिर आता है मॉस साइन। मॉस साइन क्या है, इसमें क्या है, जेंटल स्क्वीजिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द काफ फ्रॉम द साइड टू साइड इज पेनफुल। जैसे ये काफ रीजन है, अगर आप इसको साइड टू साइड यानी इस साइड से पकड़ के ऐसे या फिर साइड टू साइड ऐसे मूव कर रहे हो या जेंटली स्क्वीज करते हो तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, दैट इज मॉस साइन। फिर आता है न्यूहॉफ साइन, दैट इज थिकनिंग एंड डीप टेंडरनेस इज एलिशिएटेड वाइल पाल्पिटेटिंग डीपली इन द काफ मसल्स। अब उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है यानी डीप वेन में है तो हम उसको पाल्पेट करते हैं, यानी उस एरिया को देखते हैं एक बार कि कहाँ पे उसको थ्रोम्बोसिस है, फील हो रही है या नहीं। तो उसको जब हम पाल्पेट करते हैं डीपली तो उसको डीप टेंडरनेस होती है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस होती है पेशेंट को, दैट इज न्यूहॉफ। यानी जब हम पालपेट कर रहे हैं काफ मसल को, जब पेन हो रहा है तो न्यूहॉफ साइन, जब हम काफ एरिया को जो है वो जेंटली स्क्वीज कर रहे हैं साइड टू साइड तब पेन हो रहा है, दैट इज मॉस साइन। और जब हम उसका पैर को एक्सटेंडेड नी है और उसको डोर्सिफ्लेक्स करा रहे हैं तब उसको काफ में पेन हो रहा है, दैट इज होमेन साइन। फिर आते हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने किससे करनी है, रप्चर्ड बेकर सिस्ट से, काफ मसल के हेमेटोमा से हमें इसकी डिफरेंशियली डायग्नोस करना है इसको, सेलुलाइटिस ऑफ लिम्स या सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। देन इसकी डायग्नोसिस आती है, डायग्नोस कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, वीनस डॉपलर कराना है, डुप्लेक्स स्कैनिंग या फिर जो कॉन्ट्रेस्ट वीनियोग्राफी है वो करानी है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, क्या चिकित्सा देनी है पेशेंट को, ट्रीटमेंट कैसे क्या करना है। तो पहले पेशेंट को बेड रेस्ट देना है, बिल्कुल बेड रेस्ट देना है,
एलिवेशन ऑफ द लिम, लिम को एलिवेट करने को बोलना है पेशेंट को थोड़ा, और बैंडेजिंग द एंटायर लिम विद क्रैब बैंडेज, क्रैब बैंडेज से उसको जो है वो बैंडेजिंग करने को बोलनी है, ठीक है, या फिर जो स्टॉकिंग्स है वो पहनने को बोलना है पेशेंट को, एंटी कोएगुलेंट्स देने हैं जैसे हिपेरिन हो गया, वारफेरिन हो गया, फाइब्रिनोलाइसिन्स देने हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज, वीनस थ्रोम्बेक्टमी करा सकते हैं या प्लाज्मा ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थैंक यू।